आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए, है गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक जी, आज हम बहुत टैलेंटेड फीमेल फोटोग्राफर से मिले। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। कुछ का काम हमने नहीं देखा अभी, तो पहले किसका, मासूमा की कुछ पिक्चर्स खींची हुई जो है वो देखेंगे इवेंट्स की, और फिर बाकियों की भी आपको दिखाएंगे ताकि आपको अंदाजा हो। मॉर्निंग रैंडमली, अच्छा ये रैंडमली खींची हुई, मॉर्निंग टाइम है। अच्छा ठीक है, वाह, हमारे फ्रेम के साथ आपकी चिड़िया का फ्रेम कितना मिल रहा है। वही कलर है जो कि हमारे टाइटल का कलर है। मेरी इन जो है इनफिनिक्स पाकिस्तान में जो मेरा हुआ था, अच्छा, ये उसमें कंपटीशन में जीती जो अवार्ड विनिंग पिक्चर है। अवार्ड विनिंग पिक्चर, ग्रेट। अच्छा, और ये मोबाइल से खींची हुई है। हैं ये कौन से मोबाइल से खींची है? ये तो 70-200 मेरे पास लेंस था, और फुल फ्रेम के ऊपर मैंने 23 मार्च की जो प्रैक्टिस हो रही होती थी तो छत के ऊपर जाके मैं बैठ जाती थी, और वो जो 15 दिन थे उनको मैंने यूटिलाइज करके और ये शॉट निकाला। यार वेन्यू पे आके क्यों नहीं खींचती? लेकिन आई होप कि जहाँ से आपने खींची है इतनी, वो मेरा छत थी ना, वहाँ से गुजरते हैं ये। बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है, ब्यूटिफुल। और कौन सी है? This was F9 Park, वैसे ही randomly winters दिखाने के लिए। वाह, ये तो दूल्हा दुल्हन के वॉक के लिए भी बड़ा अच्छा ट्रैक है ना। अच्छा जबरदस्त। So this is Husaini Bridge। कौन सा? हुसैनी ब्रिज, गिलगित बल्जिस्तान। हमने वहाँ पे ट्रेनिंग की थी फोटोग्राफी की। ठीक है, तो क्या अच्छे आपने, ये वही गिलगित बल्जिस्तान सारा। सो ये क्या अच्छे लैंडस्केपिंग आपने की है। अच्छा ब्यूटीफुल। ये कौन से कैमरे से आपने खींची हुई? दिस इज ऑल 70-200 मेरे पास था, और 20-275 भी था, और 24-270 भी है। ठीक है, सारे फुल फ्रेम्स है। ये टीचर्स डे पे था। ठीक है, सो बहुत खूबसूरत पिक्चर्स, लैंडस्केप पिक्चर्स, डिफरेंट रियल रियलिटी पिक्चर्स। सो एनी की कुछ बड़ी खूबसूरत तस्वीरें हैं, वो भी हम देखते हैं। लेकिन एनी ने इस पिक्चर्स में हमें बताया कि सही और गलत, या कुछ गलत भी हो जाए तो पिक्चर को हम डिस्कार्ड ना कर दें, उसको हम कर सकते हैं इम्प्रूव। कैसे? अच्छा, ये जैसे मैंने पिक्चर ली थी वहाँ पर, हमारे जैसे मैं यूज़ करती हूँ निकॉन का कैमरा, तो अक्सर ये कलर होता है उसमें कलर का, सी ग्रीन और ग्रीन कलर को ना वो उठाता नहीं है। तो क्लाइंट कहते हैं मेरे ड्रेस का कलर तो ये है, एक तो मेरी ब्राइड नाराज़ हो रही कि मैंने तो ये कलर ही नहीं पहना जो पिक इसमें आ रहा है। तो मैंने उसे कहा आप रिलैक्स हो जाएं, कोई बात नहीं, ये एडिटिंग में हम एडजस्ट कर देंगे। तो इसका कलर भी था वो सी ग्रीन था। अब ये वहाँ पर जो घर पे इनके बर्थडे हो रही थी, इतना लाइट भी नहीं थी, ऑफ कोर्स मैं तो लाइट यूज़ कर रही थी, लेकिन वो कलर वैसा आ नहीं रहा था और इसको प्रॉपर ही अपना कलर चाहिए था। तो बाद में मैंने एडिटिंग करके इसका कलर को एडजस्ट कर दिया, एनहांस कर दिया। हाँ जी बिल्कुल, एडिटिंग में हम लोग फिनिशिंग भी होती है, कलर्स भी ठीक कर सकते हैं। हमारी लाइट ऑफ कोर्स हम लोग कोशिश यही होती है, फोटोग्राफी लाइट की सारी प्ले होता है, लेकिन अगर हो जाए कुछ ऐसा तो हम लोग उसको एडजस्ट कर लेते हैं एडिटिंग के साथ, कलर्स के साथ। ये अब जैसे शूट हो रहा है तो क्लाइंट हो गया लेट, तो अब पिक्चर हो गया डार्क, वो कपल तो कंफर्टेबल है, वो अपनी पिक्चर्स करवा रहा है, तो मैंने बाद में उसको एडिट करके अल्हम्दुलिल्लाह उसे एडजस्ट कर दिया। कभी कभी होता है क्लाइंट को चाहिए पीछे बैकग्राउंड में सैचुरेशन ज़्यादा हो, मेरे ट्रीज जो है ज़्यादा कलरफुल और ब्राइट नज़र आए। कुछ कुछ चाहिए होता है कि हमें एस्थेटिक में चाहिए, डार्क बैकग्राउंड चाहिए, या इस तरह के ट्रीज दिखाए जाएँ, तो वो है एडिटिंग करके हम यूज़ कर लेते हैं। ये मैंने एक लड़की का छत पे ही शूट किया था, तो उसने पिक्चर्स बनवाई थी ईद का, जल्दी जल्दी शूट कर दें अब टाइम ख़त्म हो रहा है, तो उसमें भी डार्क हो रहा था। अब बाद में मैंने उसे कहा कोई टेंशन नहीं, एडिट करके दे देंगे। इसकी काफ़ी सारी पिक्चर्स थी लेकिन ये मैंने अभी डिस्प्ले के लिए ऐसे दी। लेकिन इसके फेस को भी कुछ ट्रीट किया आपने? जी बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि फेस पे भी चेंज आया, क्योंकि उसने इतना मेकअप नहीं किया था। अब ये जैसे ब्राइड है, इसने आफ्टर रुखसती जब हम रात को घर पे गए थे उस वक्त इसने शूट करवाया, और जल्दी जल्दी में 5-10 मिनट में जल्दी जल्दी करें, लाइट भी इतनी नहीं है वहाँ पर, बस जल्दी से मेरा टेरेस पे वहाँ पर शूट कर दें कि मैं बहुत थक चुकी हूँ। तो वो ब्राइड ने कहा कि मुझे जो है शूट तो करवाना ही है, और पूरा दिन से आपको पता है वो तैयार हुई हुई है, थकी हुई है, उसका ड्रेस खराब हो रहा है और ड्रेस में मेल फंक्शन हो रहा है, बस वो कह रही है जल्दी से शूट कर ले। तो मैंने उस पिक्चर के ऊपर काफ़ी वर्क किया हुआ था, जैसे उसकी शर्ट थी उसके ऊपर वो प्रॉब्लम हो रहा था, उसकी जो दुपट्टा सेटिंग थी उसमें प्रॉब्लम हो रहा था, वो उसमें सारे कर्व्स आ रहे थे, वो सब मैंने सेट करके उसको फिर पिक्चर्स दी थी ताकि उसको भी टेंशन ना हो और
उसके लाइटिंग वगैरह भी सेट कर दी थी। तो एडिटिंग से ये होता है, ऑफ कोर्स मेरी कोशिश ये होती है कि जब कैमरा में हम रॉ फोटोज़ भी ऐसी लें कि क्लाइंट को दिखाएं, मैंने हमें शुरू से यही सीखा है कि क्लाइंट को दिखाओ तो वो पिक्चर्स ऐसी हो कि क्लाइंट को वो अट्रैक्ट करें। ये नहीं कि आपने डार्क पिक्चर्स या रॉ पिक्चर्स ऐसी ले ली हैं, लेकिन कभी सिचुएशन के मुताबिक हो जाए तो हम उसे एडिट कर चेंज कर लेते हैं। अच्छा एक शिकवा, आप लोगों से बहुत देर देर बाद पिक्चर्स देते हैं यार। शादी हो जाती है, अब पिक्चर्स आ रही होती है 4 महीने बाद, उसकी वजह होती है ना क्या? देखिए शादी सीजन में ही सारे लोग शादियां करते हैं। हम और लोगों का भी तो काम करें, सिर्फ आपका तो नहीं कर रहे हैं। हमने सबका काम पहले जमा करना है, फिर उसमें से छांटी करनी है, अच्छी तस्वीरें निकालनी है आपके लिए, उनको एडिट करना है, फिर आपको प्रोवाइड करना है। छांटी भी क्या कि वो आप रॉ पिक्चर हमें सारी दे दे, अच्छा ठीक है बगैर एडिटिंग के दे दी, तो फिर उस पे इतराज़ ये क्या हुआ है? 100 पिक्चरें सेलेक्ट करो मुझे दे दो, बाकी काम मेरा है। इसमें आंखें बंद हो गई है, इसमें लाइट नहीं है, जो है वो डेटा हमसे ले लेते हैं और आफ्टर 1 ईयर आ रहे होते हैं सिलेक्शन दे रहे होते हैं। exactly. अगर सिलेक्शन हमारे पास नहीं आएगी तो हम कैसे उनका काम करेंगे? exactly. तो वो तो उनके अभी अभी मेरी एक शादी मैंने कवर की और उन्होंने भाई साहब को बहुत जल्दी थी, मैंने रॉ पकड़ा दिया, मैंने कहा भाई खुश रहो ठीक है, उसमें तो ये डाक है यू डाक है, मैंने कहा भाई तुम सेलेक्ट तो करो, तो आप सेलेक्ट करके मुझे दें, आपको ये 100 पिक्चर्स नहीं, मैंने बाकी भी, मैंने कहा बाकी भी मुझे दे दें, मैं भी, लेकिन उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। सिलेक्शन आ रही होती है कि गुड न्यूज भी आने वाली होगी, होती है तो कहती हूँ अब गुड न्यूज के साथ एल्बम भी ले जाए साथ साथ। मैंने 5-6 दिन का इवेंट किया है, उसमें 2500 तस्वीरें बनी, लेकिन उन लोगों का एप्टीट्यूड मुझे पता चल गया था कि उनको कैसी तस्वीरें पसंद है। हालांकि मुझे कैंडिड, पर्सनली कैंडिड पिक्चर्स बहुत पसंद है, जो ऐसे मोमेंट्स एकदम कैप्चर, वो उनको नहीं अच्छी लग रही थी। तो मैंने उसमें से सिलेक्ट करके 1500 पिक्चर्स पूरी बैठ के एडिट किए, फिर उनको दी, मैं कब इसमें से 100 सेलेक्ट करके दे दें आप। अच्छा, क्योंकि मुझे पता था मैं वैसे ही दे दूंगी तो फिर वो शुरू हो जाएंगे मेरे साथ लड़ना। अच्छा, इज इट अ रिवॉर्डिंग प्रोफेशन? खुश है आप? समटाइम्स इट इज, समटाइम्स नॉट। तो फिर जो और लड़कियां आपको देख रही हैं उनको इस प्रोफेशन में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। बेसिकली मेरी तो ये थिंकिंग है, ये प्रोफेशन हो या कोई और प्रोफेशन भी हो, लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है लाइफ में, बहुत जरूरी है कि आप किसी पे डिपेंडेंट ना हो। आप इंडिपेंडेंट होना आपका इसलिए भी जरूरी है कि आपकी लाइफ में कोई हर्डर्स आ जाएं, कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाएं, आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। मतलब आप खुद इतना आपके अंदर स्किल्स हों कि आप खुद बाहर निकल के काम कर सके, क्योंकि अगर आप किसी के आगे हाथ फैलाएंगे तो डेफिनेट आपको और भी बहुत सारी डिफिकल्टीज बीइंग अ गर्ल फेस करनी पड़ेंगी। और ये आजकल ये इंटरेस्टिंग फील्ड है, क्रिएटिव फील्ड है, और ये लड़कियां बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं, हैंडल कर सकती हैं। और मुझे लगता है कि ना जिस तरह का टाइम है, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को अर्न करना जरूरी है ताकि एक अच्छा सा हाउस होल्ड, उसके ऊपर भी बेचारे के ऊपर बहुत प्रेशर ना पड़ जाए। तो खातून अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकती है एंड अपनी फैमिली को लुक आफ्टर कर सकती है। अगेन पता नहीं, ये तो कह रही है हम शादियों का खाना भी नहीं खाती हूँ, हथियार होकर भी नहीं जाती। शादी में जाना किसी भी खातून के लिए बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा एक ओकेजन। वैसे हमने सिर्फ पिक्चर्स खींच ली है। अच्छा वैसे शादियों के अपने जोड़े कितने कितने बना के रखे हुए हैं कि किसी शादी में जाना पड़े तो क्या? फिर तो प्रॉपर होता है ना, फिर तो बने रखे हैं। और वैसे बेसिकली फरा, मैंने जो चीज ज्यादा देखी है ना जॉब्स रिलेटेड फीमेल्स में और जो घरों में बैठी हुई फीमेल्स होती हैं, वो मेरा एक पॉइंट है कि जो घरों में बैठी हुई लेडीज़ होती हैं ना, आप यकीन करें उनके अंदर हमसे ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है। लाइक हमें इतना उन्हीं के अंदर होती है, मतलब हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं होता, खाली ज़हन शैतान जी या माजगा होता है इसी तरह से। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम मतलब अपना टाइम निकालें उसके लिए, सोचें फलाने ये क्यों किया, उसने इसके साथ ऐसा किया, मतलब और मतलब यही देखने मिलता है। और जो फैमिलीज की नज़र में होता है, फैमिलीज की नज़र में ये होता है कि ये बाहर जा रही हैं, मज़े कर रही हैं, ये बहुत आज़ाद ख्याल हैं, बहुत मतलब इस तरह की चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं काफ़ी ज़्यादा। फैमिलीज यही समझती हैं ये तो मज़े में है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि बिहाइंड द सीन हम कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। ये सिर्फ आप नहीं, ये हर प्रोफेशन में कोई भी खातून जो है ये उसको ये फेस करना ही पड़ता है। एंड आई होप एंड आई विश के आइंदा आने वाले वक्तों में जितनी तेज़ी से खवातीन हर फील्ड को क्या मैं कहूँ ऑक्यूपाई कर रही हैं, मुसखर कर रही हैं, मुझे तो मर्दों के ऊपर बड़ा टेंशन हो रही है कि अब तेरा क्या मर्दों को इंडिपेंडेंट खवातीन होती भी बुरी लग रही हैं। पहले तो अनचैलेंजिंग था ना हर सब कुछ, वो जिधर भी चले जाते थे,
अब तो हर जगह उन्हें टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। स्पेशली आपने जो बात की ना कि जब आप तैयार होते हो, स्पेशली जब आप हायर्ड होते हो अपनी फैमिली के फंक्शंस के लिए, आपने पहने होते गौड़ी गौड़ी कपड़े और आप खींच रहे होते पिक्चर्स, उसी में से कोई चाचा माए ताया जो भी निकल के आते हैं, ये कौन सी फोटोग्राफी कर रही है, ये कहाँ से फोटोग्राफर है, ये तो कर ही नहीं सकती, किसी बेहतर को हायर करना था। यू नो आपके कहीं ना कहीं अपने घर थोड़े बहुत जो दूर के रिश्तेदार होते हैं जो कि उनकी खुद की बेटियां कुछ नहीं कर पाती और वो देखते हैं कि भाई ये आगे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पॉइंट आउट करते हो। भाई आपने अबरार का वो गाना सुना, मैं शरीकन हूँ आग लग दी जी। आग हमेशा शरीकों को ही लगती है, जिसको जो वो अशरीक ही क्या जिसे आग नहीं लगेगी, तो जो जलते हैं जले तो जलाओ गोरी। अच्छा जी, ये बड़ा खूबसूरत सी वीडियो अब मेरा ख्याल मिसबा की है, सो मिसबा की वीडियोग्राफी जो है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ पे। इस पे बहुत कम टाइम था मेरे पास और जल्दी जल्दी में सारा, ये कम टाइम में बनी हुई लग तो नहीं रही। हाँ वाकई में इस पे कम टाइम था, एंड हो चुका था, लाइट्स ऑफ कर रहे थे और ये लॉबी में हम लोगों ने शूट किया था। ये मतलब आपकी मार्की की लॉबी में हुआ हुआ है? हाँ जी, लॉबी में। अच्छा अच्छा जी, ये बहुत, और ये एडिट भी आपने खुद किया हुआ है? नहीं करवाया, एडिट करवाया हुआ है। ये जो आप फैला के बिठाती हैं ना दुल्हन का सारा लहंगा इधर उधर करके, ये मेरे ख्याल पैसे वसूल होते हैं ना इस तरह। इतना महंगा जो जोड़ा पहना होता है पता तो चलना चाहिए। सो भाई ब्यूटीफुल वीडियोग्राफी, अच्छी आपने वो सारे जो है कैप्चर किए हुए हैं मोमेंट्स। वैसे ये अकेली थी, इनका दूल्हा कहाँ है? दूल्हा भी आ जाएगा, दूल्हा भी अभी आएगा। दूल्हा एक्चुअली ना वो मतलब करवा नहीं रहा था, एंड पे उसने थोड़ा सा करवाया था। अच्छा मुझे बताएं कि कुछ कलर्स का भी इफेक्ट होता है कि कुछ पिक्चर्स अच्छी आती हैं? कौन से कलर्स पहनने चाहिए ब्राइड्स को कि जिसके जिसकी वजह से पिक्चर्स अच्छी आए? ब्राइट कलर्स अच्छे आते हैं, ब्राइट कलर और कौन सा, पेस्टल्स, पेस्टल में भी अच्छा आते हैं, लेकिन ब्राइड वाली में भी हाँ अच्छे लगते हैं, मेहंदी पे कलरफुल ड्रेसिंग का तो होता ही है, प्लस मेकअप का भी बहुत कंट्रीब्यूशन होता है, और जो पेस्ट्रीज होती है ना वो उसको एडिटिंग में ही ठीक किया जा सकता है, एल्स वरना हमारे पास कोई और ऑप्शन रह नहीं जाती कि उसको बस डिम कर दे लाइट को या ज्यादा कर दे, उसको कहीं ना कहीं हमें एडिट करना पड़ता है। लेकिन अब तो मेकअप बहुत नेचुरल हो गए हैं, अब तो लेकिन जो ये मतलब बहुत ही बहुत ज्यादा जो कर देती है ना वो पेस्ट्री बना देती है उनको, वो बस थोड़ा सा ये कि अगर मैट शेड पे रहे तो वो ज्यादा बेहतर लगेगा। अच्छा आउटडोर जो इवेंट्स होते हैं, आई मीन आउट ऑफ सिटी जो इवेंट्स होते हैं वो भी कर रहे होते हो आप लोग? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो फिर उसमें क्या करते हो, कैसे जाते हो, कैसे आते हो? ये बहुत हैक्टिक हो जाता होगा। डिफरेंट लड़कियों के लिए जो है डिफरेंट असूल और कवानीन है, कुछ इनकी तरह अच्छे होते हैं जो कि खुद अपनी टीम्स को लेके जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं पैसे दे देते हैं हम लोकल जाते हैं बसों में धक्के खाते हुए, हाईएस में धक्के खाते हुए, लेकिन फिर जाते हैं जहाँ पे जिन क्लाइंट्स के पास होते हैं, अगर अच्छे होते हैं तो वो हमें अच्छा अकोमोडेट करते हैं। कुछ लोग होते हैं अपनी फैमिली में ठहरा रहे हैं, फैमिली मेंबर्स के साथ ही हम डिस्टर्ब होते हैं इस तरह। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज हमें सेपरेट रूम दिया करें कि हम लोग सेपरेट रहें, क्योंकि एक काम करने के बाद बंदा थक जाता है, पता है। आप रिलेटिव्स के साथ हो, कैमरा ना रखें, अभी हमारी इधर भी तस्वीर बना दें, चार घंटे की जगह ना आठ घंटे का हो जाता काम। आप लोग ना अपने कंसेंट फॉर्म बनाओ प्रॉपर। मैंने आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं क्योंकि जरा थोड़े से अच्छे से काम करी, मैंने चीजें बड़ी सीखी है। आप कंसेंट फॉर्म पहले ही दे दो उनको, लेकिन हम फ्रीलांसर्स के लिए एग्रीमेंट नहीं करते आप लोग, हम फ्रीलांसर्स हैं ना, हमें तो कोई और हायर करता है, नहीं होना चाहिए। हैरेसमेंट का इशू भी आता है कभी के बीइंग फीमेल जब किसी फील्ड में काम कर रहे होते हैं, कभी हैरेस किया? डेफिनेटली आता है, डेफिनेटली आता है। अच्छा, डेफिनेटली आता है। तो हाउ, कैसे डील करती हैं फिर आप उसको? बहुत अच्छे तरीके से, आप तो कर लेती होगी, हम भी कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, हम सारे बहुत टफ हैं। मेरा ये अभी मैं खतीजा की बात को आगे लेके चलती हूँ, ये आउटसोर्सिंग से रिलेटेड मैं कहती हूँ, आपको अपने काम की वर्थ और अपनी वर्थ खुद बनानी पड़ती है, ठीक है। आपको अगर कोई आउटसोर्सिंग आप अपना क्लाइंट बुक कर रहे हैं या आप एज अ फ्रीलांसर जा रहे हैं, आप कभी भी लोकल ट्रैवलिंग को मतलब रिस्क ना ले लोकल ट्रैवलिंग का, क्योंकि उसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं। डेफिनेट आपके पास इतने महंगे कैमराज हैं, लोकल जाने में आपको 100 किस्म की डिफ़िकल्टीज फेस आ सकती हैं, इसलिए मैंने तो आज तक कभी मतलब इस तरह से रिस्क नहीं लिया लोकल जाने वाला। तो इसलिए आप चाहे क्लाइंट का इवेंट कर रहे हैं चाहे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आप उनको अपनी डिमांड बताएं कि
अगले वो तो साफ साफ बोल देते हैं स्पेशली फ्रीलांसर कि हमारा तो बजट ही नहीं, भाई आपका बजट ही नहीं है तो आप बुक ही मत करो, ये एक सबसे बड़ा झूठ होता है कि हमारा बजट नहीं है, ये चीज़ हमारे बजट में नहीं आ रही। भाई आप अगर फीमेल हायर कर रहे हो आपको फीमेल की रिस्पेक्ट का भी पता होना चाहिए, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आपकी जिम्मेदारी पर सॉरी जा रही है, आपको पता होना चाहिए कि आपने उनको किस तरह से भेजना है। आप एक स्पेशल मतलब मैं आज तक जिसके भी साथ आउटस्टेशन इवेंट के लिए गई हूँ तो वो प्रॉपर अपनी कन्वेंस होती है उनके पास, वो लेके जाते हैं साथ। जो बार बार मासूमा भी कह रही है अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को क्लियरली स्टेट करना चाहिए, जिसको अफोर्ड कर सकता है जो वो कर ले, जिसको नहीं। बाकी वही रेजिडेंस वाला इशू है, वो बिल्कुल ठीक खतीजा ने बात की है कि सेपरेट होना चाहिए, वही बात है कि पहले से इस इशू को छोड़े मुझे हरासमेंट का बताएं कि हरासमेंट औरतों का एक बड़ा मसला होता है कि जब किसी जगह पे काम कर रही होती हैं और वर्क प्लेस हरासमेंट हम समझते हैं सिर्फ दफ्तरों के अंदर, आप लोग तो इतने आउट, हर फैमिली फर्क किस्म की, कई फैमिलीज हैं उसमें और शादी पे मर्द मेरा ख्याल है वो तो आए इसी चक्कर में खत्म होता है तो वो आ जाते हैं, या खाना या ताड़ना, दो ही तो काम होते हैं उनके। इवन कि हम लोग काम कर रहे होंगे पीछे बिल्कुल ना ऐसे पीछे खड़े होंगे, पीछे देखेंगे तो साथ ही साइड के, तो उन मर्दों की एक अलग ही वो होती है कि आपको पता है कि वो हर चीज को अपनी प्रॉपर्टी कंसिडर करते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। नहीं तो है ऐसी मैंने बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को भी देखे जो कि फोटोग्राफर्स को ओए पिंडी की हम बात करें तो उनको मुड़ के देखना पड़ता है कि भाई खैर है आप किसको बुला रहे हैं, नाम बताना पड़ता है कि जी हमारा नाम खदीजा है, मेरा नाम मानूर है, मेरा नाम ईमान है, ये ओए छिछ कोई चीज नहीं होती है, यू हैव टू टेल देम। तो फर्ज जैसे हम लोगों को ज्यादा बुलाया जाता है कि हमें फीमेल साइड पे काम करना है, तो मेल के कोई फ्रेंड हो गए या कजन हो गए, हेलो मैडम इधर आके मेरी पिक्चर बना दें, उधर पीछे आ जाएं, तो वो उनको दोस्तों को हो रहा होता है कि हमारी पिक्चर्स अब ये फीमेल लेगी तो हम इनसे ना डिफरेंट डिफरेंट द साइड पे जाके पिक्चर्स बना लें, तो उनसे कहीं यहाँ पे कवरेज हो रही है मैडम हमारी भी पिक्चर बनानी है, तो वो इस तरह की ना कोशिश कर रहे होते हैं। और कुछ हम वैसे तो कोऑपरेटिव होते हैं मेल, लेकिन कुछ की कोशिश होती है जैसे 3-4-5 टीमें आ गई तो साथ खड़े हो जाएंगे, इधर से जरा सा टच हो गया, उधर से जरा सा टच हो गया, तो वो उनकी कोशिश होती है। तो हम फीमेल्स को तो पता वैसे ही देखने से ही पता चल जाता है कि कौन किस नज़र से देख रहा है या साथ भी खड़ा हो रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब टीम ज्यादा होती है ना और ज्यादातर मेल्स वो तंग करते हैं आके, तो फिर आपको जी ऐसे खड़ा होना पड़ता है। मेरी तो सजेशन ये है आप यू स्टैंड लाइक दिस, क्योंकि जो फोटोग्राफर्स होते हैं ना मैंने अक्सर देखा है वो कैमरा लेके ना मेल फोटोग्राफर्स ऐसे टांगे यूं खोल के यूं खड़े हो जाते हैं। अच्छा अब खातून तो नहीं खड़ी हो सकती ना, यूं तो मैंने कई दफा खातून खवातीन को सिमटे सिमटे साथ देखा है यूं, तो आप लोग भी कोई नहीं मार के निगाह करें चले उधर हो जाए। मैं तो मारती हूँ, सब गवाह हैं इस बात के, सब बताएंगे मैं तो मारती हूँ। मेरे साथ तो हिम्मत नहीं हुई, नहीं आप और खदीजा दोनों जो है ना उधर धांसू किस्म की हैं, शायद जी तो जाते नहीं हैं, ज्यादातर रिस्पेक्ट करते हैं वो खुद ही स्पेस दे देते हैं कि मैम आप कर लें। अच्छा भाई तो एहतियातन बोलते हैं भाई जरा साइड पे हो जाए जी, कहना पड़ता है वैसे ही मोबाइल डाउन हो जाता है, वो लोग होते नहीं है साइड पे, यू हैव टू से ये चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगी कि मोस्टली इवेंट पे हम सबके साथ इसी तरह से ही होता है। एनी मेरे साथ एक इवेंट भी थी, हमारे साथ इसी तरह से क्लाइंट बड़े मासूमाना तरीके से पूछते हैं, हालांकि उनको पता होता है कि हमने अगर फीमेल्स को हायर किया है तो डेफिनेट वो फीमेल साइड की ही कवरेज करेंगी। हम एक इवेंट पे थे तो उनका मेल बार बार आके हमें कह रहे थे कि आप मेल साइड पे आके पिक्चर्स बना देंगी, मेल साइड पे आके पिक्चर्स बना देंगी। मैंने फिर उनको एक ही बात की, मैंने कहा आप मेरी बात सुने, जिस तरह से आपके लिए अपने घर की फीमेल्स रिस्पेक्टेबल हैं उसी तरह से हम भी हैं, हम भी किसी के घर हम अगर बाहर निकल के काम करें इट डज नॉट मीन कि हम जेंट्स में जाके भी कवरेज करना शुरू कर देंगे, मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है, थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक टू यू ऑल। आप सब बड़ी जिसे कहना चाहिए डायनामिक खवातीन हैं, मैंने तो अक्सर आपको देखा है इस्लामाबाद में किसी पहाड़ी पे कभी चढ़े हुए कुछ फोटोशूट हो रहा होता है कहीं ना कहीं आउटडोर लोकेशंस पे। सो हैट्स ऑफ टू यू अगेन कि आप लोगों ने एक नई फील्ड एक फील्ड को अपना बना लिया और उसमें मर्दों की जो डोमिनेंस थी उसे चैलेंज किया। सो गुड लक, बहुत सारी दुआएँ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। मैं यहाँ पे ब्रेक के लिए रुकूंगी इसके बाद, क्योंकि अब हमने किचन में भी जाना है, भूख बहुत लग गई है आपको भी शायद, तो क्या रेसिपी आज बना रही है तलत देखिएगा। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए, हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फराज।